हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं आलू के क्रिस्पी क्रिस्पी बॉल, और उसके साथ बनाएंगे हम स्वीट चिली सॉस। तो आज हम बनाने वाले क्रिस्पी वाले आलू के बॉल है। देखो, पहले तो हमारी तरफ से आप सभी लोगों को रमजान मुबारक। आज है रमजान का पहला दिन और पहला रोजा, और हमारे तरफ से रमजान की पहली रेसिपी है ना, और ये सेटअप में भी हमारी पहली रेसिपी है। अभी ये सेटअप एक दो दिन पहले ही चेंज किया हमने। तो भाई कैसा लग रहा है कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है? जुम्मा का भी दिन है आज। वैसे अपन जुम्मा के दिन जल्दी शूट नहीं करते। हाँ, नहीं करते, लेकिन अभी क्या है ना, खाने पीने का कुछ टेंशन नहीं है ना। कैसा नमाज से आते अभी हमें खाना लगाओ तो बहुत लेट हो जाता है, शूट के लिए भी लेट हो जाता है। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। क्या जमी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स के साथ स्वीट चिली सॉस बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम आलू, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस, कॉर्नफ्लावर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, ऑरिगेनो, शक्कर और लहसुन। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू ले ली हूँ, आलू मैंने आधा किलो ली हूँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको छील लेंगे। हमें लास्ट ईयर भी तुमने बनाए थे पोटैटो चीज बॉल बनाए थे ना? वो अलग थे, ये अलग है। इसके मसाले भी बहुत अलग रहेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? और बहुत इजी तरीके से बन भी जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से छील ली हूँ आलू को। अब क्या करेंगे, हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो सबसे मोटे वाला जो रहेगा ना सुराख, उससे करना। हमको यहाँ पे इसके लच्छे मोटे मोटे चाहिए, एकदम बारीक लच्छे नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बॉल है जो लच्छेदार दिखना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर मैं बड़े वाले सुराख से इसको अच्छे से ग्रेट कर लूंगी। यानी कि लच्छेदार बॉल बोल सकते हैं? हाँ, आलू के लच्छेदार क्रिस्पी बॉल। हाँ, ये देखो कितने मस्त निकल रहे ना, इस तरीके के लच्छे हमको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से ग्रेट कर ली हूँ, लच्छे हमने अच्छे से निकाल लिए हैं लंबे लंबे। ये बनाने के लिए ना बड़े बड़े आलू ले लेना, और उसको अच्छे से ना ऐसे लंबे लंबे लच्छे बड़े आलू में ही निकलते हैं, छोटे आलू में नहीं निकलते हैं। यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 पानी में पहले अच्छे से धो के लेके आती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आलू के लच्छे अच्छे से धो के लेके आ गई हूँ 3 पानी से। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, इसमें डालेंगे हम नमक। मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लेना। फिर भी आलू कितने ग्राम रह गए? मैं आधा किलो आलू थे ना, तो अभी छिलके निकाल के जितने बचे हैं उतने रहेंगे, है क्या नहीं? अब इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो इसमें मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दी हूँ, और इसके अंदर हम हमने क्या क्या मिलाया है, सिर्फ नमक, चिली फ्लेक्स और कॉर्नफ्लावर, बस 3 ही चीज हमने इसमें मिलाया है। अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पूरा कॉर्नफ्लावर है ना, हमारे आलू के एक एक लच्छे में अच्छे से लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब क्या करेंगे, हम इसको ढक के रख देंगे हम पूरा 15 मिनट, 15 से 20 मिनट भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन 15 मिनट से कम नहीं रखना है हमको, 15 मिनट से ज्यादा रखना है, ठीक है? तो अब हम बनाते स्वीट चिली सॉस। तो यहाँ पे हमने फ्राई पैन चढ़ा दिए है स्वीट चिली सॉस बनाने के लिए। मैंने बहुत मुश्किल से नाम याद किया ना। अरे बाबा, ये हम लोगों को नहीं आता है, हम कैसा बोलते है, हमारी हिंदी मातृभाषा। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच तेल डाली हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन। लहसुन जो लिए हमने ज्यादा लिए है, लहसुन थोड़ा सा इसमें ज्यादा ही जाता है, कम नहीं डालना, ज्यादा ही डालना। ये चटनी आप है ना स्टोर कर सकते हैं पूरे रमजान के 1 महीने के लिए, एक साथ बना के, ये एक फायदा है आपके लिए। वाह, तो ठीक है, चीज बॉल सेव नहीं कर सकते क्या? हाँ, चीज बॉल नहीं सेव कर सकते, ये सेव कर सकते बिल्कुल। चटनी आप हर भजिए के साथ, कोई भी अफ्तार के साथ खाने के लिए। तो यहाँ पे हमको ये जो लहसुन है इसको बस खाली थोड़ा सा पका लेना है, लाल नहीं करना है,
ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी चिल्ली फ्लेक्स। चिल्ली फ्लेक्स मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच। इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे पानी, नहीं तो अभी रोजे में लग जाएगा ठसका। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 वाटी भर के पानी, और यहाँ से हम डालेंगे आधी वाटी और। मतलब यहीं से डालना, वहां से नहीं डाल सकते? नहीं, नाप लेके रखी थी ना मैंने। तो ये हमने डाल दिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ओरिगेनो। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर, ठीक है। 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्ची। यहाँ पे हम डालेंगे 1 आधा चम्मच सोया सॉस टेस्ट के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम डालेंगे अभी क्या, बोलो बोलो, 2 चम्मच शक्कर। यहाँ पे ये मीठी नहीं होने वाली है, तीखी मीठी होगी, ठीक है। तो ये पकने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, तो इसको बना के हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगी नमक अपने हिसाब से, नमक थोड़ा सा कम डालना, ठीक है। अब इसको एक बॉईल आने तक हम इसको पकाएंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे अच्छे से बॉईल आ गया है, 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका ली हूँ। अब यहाँ पे वाटी में मैं ले लूंगी कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैं कॉर्नफ्लावर लूंगी। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। अच्छा, इसमें? हाँ, इसमें ये गांठें पड़ जाएंगी, ऐसे नहीं डालने का, थोड़ा सा पानी मिला लेने का, इसका अच्छे से घोल बना लेने का, उसके बाद उसमें छोड़ने का, नहीं तो फिर क्या होता है, गांठ बन जाती है चटनी में। ये हमने अच्छे से घोल ली है, अब इसको हम डालेंगे। तो गाड़ी गाड़ी हो गया है ना, फटाक से गाड़ी होती है ये। अब हम इसको निकाल लेंगे, 2 मिनट पकने नहीं देंगे ज्यादा, नहीं तो ये पूरी गाढ़ी हो जाएगी। देख रहे आप लोग, लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। हल्का सा पानी डालती हूँ क्योंकि मुझे इतनी गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रखने के बाद है ये और गाढ़ी होती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा पतला ही हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल रखी हूँ, ये बॉल नहीं है, ये मग है। बॉल बोलो, मग बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन अब मैं फिलहाल तो इसके अंदर निकालूंगी कटोरी में, जरा सा ठंडा होएगा तो हम इसको वो मग में ऐड करेंगे। तो तैयार हो गई, तो तैयार हो गई हमारी ये मीठी तीखी चिल्ली चटनी। मीठी तीखी चटनी ना, हाँ, बहुत मजे की लगती है ये चटनी। आप कोई भी अफतारी के चीज के साथ खा सकते हैं। तो चलो, सॉस हमारा रेडी हो गया है। अब आते हैं हमारे आलू के लच्छे पे, जिसको हमने मिला के रखे थे। देख रहे आप लोग, पानी अच्छा छोड़ दिया है हमने, इसमें नमक डाल के रखे थे। इसको बॉल बनाने से पहले नीचे ऊपर अच्छे से मिक्स कर लेना, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जाके नीचे बैठ जाता है ना। और जितना बड़ा बॉल चाहिए आपको उतना आप हाथ में ले लेना। इसको हाथों से दबा दबा के इस तरीके से सेट कर लेना, ठीक है। ऐसा बॉल बनाएंगे? हाँ, ऐसा बॉल बनाऊंगी। ये हम इधर रख दिए हैं। इसमें कुछ करेगी नहीं कारस्तानी? नहीं, कुछ नहीं कारस्तानी, यही तो है अलग रेसिपी। हाँ, एकदम न्यू, एकदम कम टाइम में, कम सामान में, कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। बस इसके बॉल, लच्छेदार बॉल रेडी हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी, है ना। ये तो एक बाइट में भी खत्म हो सकता है। हाँ, एक बाइट में भी आप खा सकते हो, मस्त बनता है। तो यहाँ पर हमने सारे लच्छे के बॉल बना दिए हैं, बस अब छोटू सा बनेगा एक, तो इसको भी मैं तैयार कर लेती छोटे को। मैं खुलेगा तो नहीं ना तेल में डालने के बाद? अरे नहीं खुलेगा बाबा, नहीं खुलेगा। इसको यही डर है कि अरे अम्मी तुमने लच्छे बनाए, कॉर्नफ्लावर डाले, ये अंदर जाके खुल तो नहीं जाएगा। नहीं खुलेगा बेटा। यहाँ पे हमने क्या करे है, तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिए है, क्योंकि बाइंडिंग कुछ डाले नहीं ना इसमें वो चिपकने के लिए, नहीं तो हमने कॉर्नफ्लावर डाले ना तो बस काफी है वो, ठीक है। अब हम ये जो है रखे हुए, ये एक एक करके हमारे तेल में छोड़ते जाएंगे।
बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम डाल देंगे इसको। तो ये मीडियम पे रखना है, फास्ट पे रखना, कैसा रखना है? फास्ट पे, फास्ट पे, अभी फिलहाल फास्ट पे। जब मैं डाल दूंगी तब हम इसको कर देंगे स्लो, ठीक है? और ये जल्दी पक जाएगा? हाँ, नहीं नहीं, अंदर तक पकाना है ना। अब मैंने इसमें डाल दी हूँ तो अब मैं इसको स्लो कर दूंगी ताकि हमारे जो आलू है वो अंदर तक अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर अभी 2 मिनट मैंने इसको अच्छे से पकने दी हूँ, अब इसको आराम से पलटी कर लेंगे। अब इसको हम अल्टी पलटी सुनहरी हुए तक पकाएंगे दोनों तरफ से। थोड़ा सा गैस मीडियम करके पकाएंगे। स्टार्ट में गैस को एकदम फास्ट रखना, एकदम गरम तेल रखना और आंच भी फास्ट रखना जब तक हम इसमें डालते नहीं। डालने के बाद में एक 10-20 सेकंड के लिए फास्ट रखना, उसके बाद इसको मीडियम स्लो कर सकते हैं आप पकाने के लिए, ठीक है? तो अब ये स्लो पे पक रहा है ताकि अंदर तक हमारे आलू अच्छे से पक जाए और ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सुनहरी हुए तक इसको पका ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, इसको सुनहरी जो जो हो गए हैं उसको निकाल लेंगे, जलाएंगे नहीं भाई। क्रिस्पी हो गए अच्छे हमारे बॉल। ये कुछ अलग है ना मैं? हाँ, कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ, इसका थोड़ा तेल झटक लेंगे अच्छे से और हम यहाँ पे डालेंगे टिश्यू पेपर पे। हाँ, और ये बनते भी क्रंची है, मस्त क्रंची क्रंची बन गए हैं। अब हम इसी तरीके से हमारे जो बचे हुए हैं इसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे लच्छेदार बॉल जो है क्रिस्पी वो हो गए हैं रेडी। लच्छेदार क्रिस्पी पोटैटो बॉल। अरे बाबा, इतना सारा तुम लोग का इंग्लिश मेरे को मस्त सिखाया कर, मुझे नहीं जमता। आलू के बॉल। कुरकुरे आलू के गेंद। गेंद। हाँ, गेंद। हाँ ना, इंग्लिश में सिखाते रहता है। मैं कितने बार बोली है तुमने कि अंग्रेजी मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमारे ये क्रिस्पी बॉल रेडी हो गए हैं, हम ये भी रख देंगे इसमें, है ना? मस्त लच्छेदार बॉल, क्रिस्पी क्रिस्पी रेडी हो गए है, वो भी क्रंची क्रंची। ओहो, तो दोस्तों तैयार हो गए अपना लच्छेदार आलू के क्रिस्पी बॉल, पोटैटो क्रिस्पी बॉल हो गए तैयार। तो ये देखो कुछ अलग, माशाल्लाह सही है ना, कुछ अलग तरीके से। मुझे बॉल से ज्यादा ना वो जो चटनी, मैं जिसे देखना भी नहीं चाहता, वो एकदम मस्त दिख रही है मुझे। शक्कर, तो माशाल्लाह देखो ना, क्या लहसुन, चिली फ्लेक्स, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी दिख रहे हैं। और सेमी क्रिस्पी क्रिस्पी दिखाता हूँ, सब सब क्रिस्पी है ना, माशाल्लाह। ये भी पूरा क्रिस्पी है, बताओ। और हाँ, एकदम खारी के ऐसे क्रिस्पी है तो क्या मजा आएगी वो अफतारी में, खजूर के बाद इस रेसिपी को आप ऐसी चटनी में डुबा के, माशाल्लाह। हाँ, मैं जो चटनी बनाई उसमें भी बना के खा सकते हैं आप, और बाकी आपकी मर्जी। हरी चटनी तो फेमस है हर घर में, लेकिन नहीं, ये जो है ना खट्टी मिट्टी चटनी इमली जो होती है ना वो भी बना सकते हैं। और जो ये ना स्वीट चिली सॉस, वही मैं बोल रहा था, ये जो मैंने बनाया ना, ये जो स्पेशली ये आलू के, इसके साथ ये चटनी के साथ ही ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और वो जो चटनी में भी चिली फ्लेक्स है ना, खट्टी मीठी चटनी है वो। तो अब ये आलू में ना इतना टेस्ट नहीं होगा, है ना? मैं नहीं, ये भी तीखा रहेगा क्योंकि इसमें हमने चिली फ्लेक्स डाले, बट लेकिन ये जो चटनी के साथ मजा आएगा ना इस डिश का, ये चटनी के साथ ही मजा आएगा। तो आप लोग भी ये चटनी को स्टोर करके रख सकते हो, आप नॉर्मल से भजिए भी चटनी के साथ खा सकते हो। इसको आप स्टोर करना है ना तो इसमें 2 चम्मच विनीगर जरूर मिला लेना। मैंने विनीगर नहीं मिलाई क्योंकि हमारा ये अभी खत्म हो जाएगा। अगर आपको स्टोर करना है तो 2 चम्मच विनीगर भी चटनी में डाल देना, ठीक है? तो भाई वीडियो कैसा लगा? अभी देखो खा पी के तो हम नहीं बता सकते है, मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ। तो ये बॉल है ना, 1 बाइट उठा के आप 1 बाइट रेसिपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सही में छोटे छोटे बने, चटनी में डुबाओ और खा लो, टेंशन नहीं, कुरकुरे। और ऐसी झटपट वाली चीजें ही ना रमजान में
बहुत ढूंढती है पब्लिक, तो ये बहुत झटपट बने हैं। हाँ। सिर्फ इसको लच्छे निकाल के इसको 15 मिनट आप भिगा के रख दीजिए, जब तक आप अपने चाट वगैरह बनाते रहिए। जो एक्चुअल आलू के बॉल रहते हैं ना, आलू के जो मतलब जिसे ओरिजिनली आलू के बॉल्स कहा जाता है, जो के ब्रेड क्रम लगाया जाता है फिर उसको मिक्स कराया जाता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा। हाँ, उसमें सब मसाले। ये भी एक आलू का ही बॉल है और ये भी क्रिस्पी है, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं गया, सस्ते और ज्यादा इंग्रीडियंट्स भी नहीं गए, सिर्फ आलू है वो। और सच कहो तो अफ्तार में ना चटनी का ही मजा आता है, कोई भी चीज उठा लो चटनी के साथ खाओ, चटनी मजेदार है ना तो आपकी डिश सक्सेस। और क्रंची क्रंची बॉल है ना तो खाने में जरा मजा भी आएगा। और देखो कुछ भी नहीं डाली मैंने उसमें, चिली फ्लेक्स भी नहीं डालना है, बच्चों के लिए आपको बनाना है तो बिना चिली फ्लेक्स के सिर्फ कॉर्नफ्लावर डालो, नमक डालो। लेकिन नहीं, चिली फ्लेक्स भी डालना, ये रेसिपी बन रही है बड़ों की इफ्तार के लिए स्पेशली, तो भाई चिली फ्लेक्स तो बनता ही है। तो ये इसको कुछ नहीं है, 10-15 मिनट बस इसको आप भिगा के साइड में रख दीजिए, जब तक आप दूसरी अफ्तारी का कोई सामान बना लीजिए। हाँ। जब तक वो भीग जाएगा। लेकिन हाँ, बॉल बनाने के पहले एक काम जरूर करना, उसको नीचे ऊपर अच्छे से मिला लेना, क्योंकि मैंने इसको बताई हूँ कॉर्नफ्लावर कैसा नीचे बैठा था, पूरा नीचे बैठ जाता है, तो वो फिर आप ऊपर ऊपर आलू लेके आप बाइंड करेंगे तो आपके जो बॉल है वो तेल में जाके खुल जाएंगे, तो आपको नीचे से कॉर्नफ्लावर को अच्छे से लेके आपको पूरा मिला के फिर बॉल बांधना है। ठीक है, तो भाई इतनी मजेदार रेसिपी बनाते बनाते किस किस की उंगलियां मुंह में जाती है जरा कमेंट्स करके बताना। हाँ, चटनी ये चटनी इतनी मस्त चटपटी ना अम्मी की, कभी कभी ऐसा लास्ट रमजान में तो ना बिरयानी अपने टेस्ट कर ले। नहीं, बिरयानी बना बना डॉक्टर रोजा है, मुझे कभी याद आया कैसा है ना, कभी भी हम लोग है ना कुछ बनाते हैं तो मेरे को डेली चटनी की आदत नहीं है, मैं अंदाजे में ही बनाती सारा खाना, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि मैंने इसमें नमक डाली क्या भूल गई। हाँ, तो बस वो चीज मुझे ना चखने के लिए रहता है, बाकी मेरा अंदाजे से मैं बनाती हूँ, मैं कभी चखती नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन कभी कभी ना बातों में भूल जाए ना नमक रहता है कि नहीं रहता है इसमें, लास्ट एंड पे याद आता है अरे बाप रे नमक डाली थी कि नहीं मैंने, तो थोड़ा सा चखना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने ना पानी जो बिरयानी का अपना रहता है ना पानी जो बॉयल हो गया, तो उसमें नमक डाली कि नहीं डाली मुझे याद नहीं, मैं चख ली रेसिपी बनाते टाइम पे अपने रोजे का भी ध्यान रखे, टेस्ट भी। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा हो जाए मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, ये बहुत से लोग के साथ होता होगा, ऐसा नहीं कि मेरे अकेले के साथ होता होगा, मैं मानती हूँ ये पहले दूसरे रोजे में ना ज्यादा होता है, क्योंकि बाद में तो आदत हो जाती है कि हाँ हमारा रोजा है करके, लेकिन पहले दूसरे रोजे में ना इतना आदत नहीं रहती है ना, अपन इतने दिनों के बाद रोजे शुरू करते तो पहले दूसरे रोजे में ज्यादातर होता ही है। कोई को तो खा भी लेते, अच्छा खासा खा लेते, हाँ मेरा रोजा है, फिर जाके कुल्ली उल्ली करते। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब तो करो, करोगे सब्सक्राइब करो, रमजान आ चुका है, खाली रेसिपी देख के भागो मत, सब्सक्राइब करो अभी हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा ना आप 2 मिलियन तक तो पहुंचा ही दो यार, है कि नहीं। चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। और हाँ, आप लोगों को भी कुछ यूनिक और अलग रेसिपी मिल रही है, पता चल रही है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर सजेस्ट करना। हाँ, तो हम लोग वो भी बनाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी थक जाती हूँ सोच सोच के क्या पकाऊं क्या पकाऊं। ठीक है, तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।